सो गाइस आज मैं आपको Redmi K20 Pro की अनबॉक्सिंग वीडियो दिखाने वाला हूँ। तो ये फ़ोन 28 मई यानी कि आज ही चाइना में लॉन्च हो चुका है और काफ़ी अट्रैक्टिव प्राइस पे ये फ़ोन लॉन्च हुआ है। इसका एक और वेरिएंट लॉन्च हुआ है जो कि Redmi K20 के नाम से लॉन्च हुआ है और वो भी फ़ोन यार यहाँ पे अपने प्राइस के हिसाब से बहुत ही अच्छा है। चलिए अब यार हम इस फ़ोन की अनबॉक्सिंग स्टार्ट करते हैं। तो जैसे ही आप फ़ोन को यहाँ पे पहली बार फ़ोन का बॉक्स ओपन करेंगे तो आपको सबसे पहले यहाँ पे सिम इजेक्टर टूल देखने को मिल जाएगा और यार इसी के साथ इस फ़ोन के बॉक्स में आपको एक बैक कवर देखने को मिल जाता है जो कि बहुत ही अच्छी क्वालिटी का बैक कवर है और इस फोन को प्रोटेक्ट करने के लिए इसे साथ में दिया गया है। चलिए अब इसको रखते हैं हम साइड में, उसके बाद हम आते हैं सीधा यहाँ पे फोन की तरफ। तो फोन को अगर आप देखेंगे तो काफी अच्छा यहाँ पे लुक इस फोन का है। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि इस फोन में जो चार्जर आपको मिलता है वो 27 वाट का चार्जर है जिससे आपका फोन बहुत ही फास्ट चार्ज होने वाला है। तो यार चलिए अब आते हैं फ़ोन की तरफ। तो यार फ़ोन को अगर आप पहली बार देखेंगे तो यकीन मानिए फ़ोन से आपको प्यार हो जाएगा क्योंकि फ़ोन का जो लुक है वो बहुत ही शानदार है। पीछे आपको ट्रिपल रियर कैमरे मिलते हैं, उसके साथ अगर हम बात करें इसके डिस्प्ले की तो 6.3 इंच की फुल एचडी प्लस डिस्प्ले मिलती है और इस फोन के अंदर आपको एक इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर मिल जाता है। उसके साथ जो इसकी डिस्प्ले है वो एक एमोलेड डिस्प्ले है, तो आपको जो वीविंग एंगल्स है उसके साथ जो डिस्प्ले की क्वालिटी है वो बहुत ही अच्छी मिलने वाली है। और बात करें अगर इस फोन के कैमरे की तो फोन का जो कैमरा है वो भी बहुत ही अच्छी क्वालिटी का है। जो ट्रिपल रियर कैमरे हैं उसमें से एक 48 मेगापिक्सल का है, सेकेंडरी कैमरा है 13 मेगापिक्सल का और तीसरा कैमरा है 8 मेगापिक्सल का। और जो सेल्फी वाला कैमरा है वो है यहाँ पे पॉपअप सेल्फी कैमरा जिससे आप काफ़ी अच्छी पिक्चर्स यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं। और यार जैसा कि आप वीडियो में देख सकते हैं इस फोन की जो कैमरा क्वालिटी है वो बहुत ही शानदार है और नाइट मोड में अगर आप इससे पिक्चर्स क्लिक करेंगे तो भी आपको बहुत ही यहाँ पे अच्छी कैमरा क्वालिटी देखने को मिलने वाली है। अब चलिए बात करें इस फोन के ओवरव्यू एंड डिज़ाइन के बारे में, तो काफ़ी अच्छा डिज़ाइन इस फोन का हमें देखने को मिलता है। उसके साथ अगर हम बात करें इस फोन की ओवरव्यू की तो आपको राइट साइड में सबसे पहले तो मिल जाता है पावर बटन, उसके साथ बैक साइड में मैंने आपको बता दिया है कि ट्रिपल रियर कैमरे देखने को मिलते हैं जो कि फ्लैश लाइट के साथ में आता है, जाहिर सी बात है फ्लैश लाइट तो होना ही है। और यार नीचे की तरफ इस फ़ोन में आपको एक चार्जिंग पोर्ट के साथ साथ एक स्पीकर भी मिल जाता है और स्पीकर की क्वालिटी जो है वो बहुत ही यहाँ पे शानदार है। अब यार बात करें ऊपर की तरफ तो ऊपर आपको पॉपअप सेल्फी कैमरा मिल जाता है जैसा कि आपको मैंने पहले ही बता दिया है। उसके साथ 3.5mm जैक मिल जाता है और एक नॉइज़ कैंसिलेशन माइक भी ऊपर की तरफ ही आपको देखने को मिलता है। तो यार अब अगर हम बात करें इस फ़ोन के इंडिया लॉन्च रेट एंड इंडियन प्राइस के बारे में, तो इस फ़ोन की जो लॉन्च रेट है इंडिया में वो ऑलमोस्ट यहाँ पे 15 से 20 दिन है। जी हाँ, ये फ़ोन जो है वो 15 से 20 दिन के अंदर इंडिया के अंदर लॉन्च हो सकता है। उसके साथ यहाँ पे अगर हम बात करें इस फ़ोन की प्राइस की तो प्राइस जो है वो ऑलमोस्ट यहाँ पे सेम रहने वाली है जो प्राइस यहाँ पे चाइना में रखी गई है Redmi K20 Pro की। K20 की प्राइस जो है वो 20,000 के अराउंड रखी गई है और K20 Pro की जो प्राइस है वो यहाँ पे रखी गई है 30,000 के नीचे ही। तो यार जो भी प्राइस रखी गई है चाइना के अंदर वही प्राइस में ये फ़ोन जो है इंडिया में हमें देखने को मिल सकता है, उससे कम प्राइस में ही हमें देखने को मिलने वाला है इंडिया के अंदर। और बहुत ही जल्दी ये फ़ोन लॉन्च हो जाएगा। एक्सपेक्टेड लॉन्च डेट मैं आपको बता सकता हूँ कि ये फ़ोन जो है जून के यहाँ पे सेकेंड या फिर थर्ड वीक में इंडिया के अंदर लॉन्च हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल भी कंफर्म्ड है, बिल्कुल कंफर्म्ड है ये। तो यार वीडियो आपको कैसी लगी ज़रूर से कमेंट करके बताना और वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक कर देना, शेयर कर देना और चैनल पे पहली बार अगर विजिट कर रहे हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। तब तक के लिए बाय बाय, मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह की कुछ इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ में।